हमने सोचा कि पूरे भारत में हम लोग ऐसी ऐसी दलित आदिवासी पूरे भारत का हम लोग भाईचारा पैदा करें, ये पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। यहां मुस्लिम महिला है और मुस्लिम लोग बैठे हुए, उन्हें बताना चाहता हूं, अरे जिन सारे प्रतिनिधि लोगों को और निर्देशित लोगों को उनके धर्म ग्रंथों ने और धर्मशास्त्रों ने पाबंदी लगाई थी, यहां पर दलित आदिवासियों का पानी मत पीना, इनकी परछाई मत लेना और इनके साथ बैठकर खाना मत खाना, उनके घर में उनको घर में आने मत देना, मंदिरों में आने मत देना, उनके धर्मशास्त्रों ने उन्हें मना किया था, वो उनके धर्मशास्त्रों के विरोध में जाता, उनके घर में जाते हैं मुसलमानों के विरोध में नफरत पैदा करने के लिए, अपने धर्म के विरोध में जाकर नफरत पैदा करते हैं। और भारत के मुसलमानों को उनके दीन ने उनके इस्लाम ने आदेश दिया था कि जालिमों का साथ कभी मत देना, मजलूमों का साथ देना। अगर भारत के मुसलमान मजलूमों का साथ दिया होता तो ना आज हमारी पिटाई होती, ना आपकी पिटाई होती, ना हमारी पिटाई होती, ना आपकी पिटाई होती। चाहे साल से आदेश काम कर रहा है नफरत फैलाने का, भारत के मुसलमानों को चाहिए मजलूमों में भाईचारा पैदा करने का काम शुरू कर देना चाहिए, तो नफरत की उनकी बुनियाद है खत्म हो जाएगी। साथियों, इस देश में सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस है। कांग्रेस ने अभी कांग्रेस को 133 साल हो गया, 28 दिसंबर 1885 में हमारी 33 साल हो गया, 133 साल कांग्रेस को हो गया, आरएसएस को 93 साल हो गया, कम्युनिस्ट को 98 साल हो गया, जनसंघ बीजेपी को 68 साल हो गया और बहुजन मुक्ति पार्टी को केवल मात्र 5 साल हुआ है। 6 दिसंबर 2012 को हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और 1 महीना दिसंबर का प्रोसीजर में चला गया। 13 से आप गिनती करो, अभी 18 पूरा हुआ नहीं है, 5 साल हुआ है। इन 5 साल वाली बहुजन मुक्ति पार्टी से 133 साल की कांग्रेस परेशान है। इस 5 साल वाली बहुजन मुक्ति पार्टी से 93 साल का आरएसएस परेशान है। इस 5 साल वाले बहुजन मुक्ति पार्टी से 98 साल का कम्युनिस्ट भी परेशान है और 5 साल वाले बहुजन मुक्ति पार्टी से जनसंघ और बीजेपी 68 साल के भी परेशान है। अगर हमारी पार्टी का भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला और आप परेशान हो गए हो, तो मैं तुम्हें यकीन और विश्वास दिलाता हूं तुम्हारी परेशानी बढ़ाऊंगा, कम होने नहीं दूंगा, बढ़ेगी तुम्हारी परेशानी। तुमने हमारे समाज की परेशानी बढ़ाई, मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ाऊंगा। तुमने हमारे समाज की परेशानी बढ़ाई है, मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ाने वाला हूं। और ये यकीन और विश्वास क्यों है मेरे को, मेरी पार्टी के अंदर आने वाले लोग, मेरी पार्टी में सुनने वाले लोग ये बिलाव नहीं होते, ये टिकाऊ होते, अपने खर्चे से अपने पसीने से आते हैं। ये अन्य पार्टियों की तरह किराए भाड़े से लाने वाली भीड़ नहीं है, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये पूरी पैकेज में आने वाली नहीं है, ये पैसा लेकर आने वाली ये भीड़ नहीं है, ये अपना खाना खाकर अपना पैसा लगाकर आने वाली भीड़ है। इसी वजह से मैं लाभ के साथ कहता हूं, ईमानदार लोगों के सामने
बेईमान लोग ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर सकते, ईमानदार लोग। तथा 70 साल की आजादी, 57 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने संविधान पर अमल नहीं किया, ये भी तो करने वाले नहीं है। कांग्रेस ने संविधान पर अमल नहीं किया, संविधान की पहली लाइन पर अमल नहीं किया, जो लिखा हुआ है यहां बाहर के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हुआ क्या 70 साल में? सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। और बड़ी चिंता भयानक पैदा हो गई है इन मनवादियों के पास ज्यादा होगी। हजारों साल से उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, वो अधिकार हो गया का या तो इस्लाम जब आया तब अधिकार मिला। मोहम्मद साहब ने कहा इल्म हासिल करो चाहे तो चीन तक जाना पड़े। एजुकेशन के ऊपर जोर लगा इल्म हासिल करो चाहे तो चीन तक जाना पड़े। यह इस्लाम की बुनियाद। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में हमें जो अधिकार दिया था वो अधिकार वर्तमान सरकारें छीन रही है आपके बच्चों से। या बैठे हुए लोगों को लगता होगा वो तो सारे पार्टी वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, इसमें हमारा कौन सा फायदा है, हम आपकी पार्टी को क्यों, आपकी पार्टी का काम क्यों करें। अंग्रेजों ने जो अधिकार दिया था वो छीन रहे हैं आपके बच्चों से। अंग्रेज ने आपको अधिकार दिया 1795 आर्टिकल 11 के तहत, संपत्ति रखने का अधिकार दिया। जिनकी संपत्ति ये लोग रख सकते हैं अपनी। अंग्रेजों ने आपको अधिकार दिया 1813 में लॉर्ड हार्डिंग ने एजुकेशन सेक्टर के तहत अधिकार दिया कि सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो नहीं मिला होता तो ज्योतिबा फुले नहीं पढ़ पाते, बाबा साहब अम्बेडकर का नंबर नहीं आता और हमारा तो नंबर बिल्कुल नहीं आता। अंग्रेजों ने अधिकार दिया, अंग्रेजों ने अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, इक्वालिटी भूल लो, अंग्रेजों ने अधिकार दिया, अंग्रेजों ने अधिकार दिया। 1871 में जाति जनगणना कराई, ये भारत में कौन सी जाति कितनी संख्या के है, उन जातियों को अपना हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जाति जनगणना कराई। अंग्रेजों ने अधिकार दिया 1871 में, अंग्रेजों ने अधिकार दिया कि आपकी जमीन सरकार तब तक नहीं छीन सकती जब तक सरकारी काम ना हो, रोड बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, रेलवे लाइन बिछानी हो, इसके अलावा सरकार छीन नहीं सकती आपकी जमीन। अंग्रेजों ने आपको आरक्षण का अधिकार दिया, अंग्रेजों को समझ लिया और अंग्रेजों ने वोट का अधिकार दिया। अब क्या हुआ मालूम है, अब आपके बच्चों का सरकारें एजुकेशन छीन रही है, सरकारें आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म कर रही है, अब कानून बनाकर खत्म कर रहे हैं कि 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेना सरकारी स्कूलों में, पास कर देने का खिचड़ी खिलाकर पास कर देने का, पेट के टमाटर को ध्यान भोजन से पास कर देना। जब अगर परीक्षा के बच्चे पास होंगे
तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, हमको तो मालूम है पास तो होना ही है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे मालूम है। आज से 30-40 साल पहले बच्चा अगर नापास होता था, फेल होता था, तो बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था कि पूरा दिन घर में हो, बच्चा नापास कैसे हो गया। अभी तो अगर परीक्षा के पास हो रहा है तो बच्चे की मां भी खुश, बच्चे का बाप भी खुश, बच्चा खुद भी खुश, बगैर परीक्षा के भ्रम हो जाता है कि मेरा बच्चा उतना होशियार है, कभी फेल नहीं होता। फिर बाद की बोर्ड की एग्जाम आती है नवीं और दसवीं में, बच्चा फेल हो जाता है, नापास हो जाता है, तब आप लोग क्या सोच रहे हो कामयाब के लोग कि चल बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं होगी, चल काम पे लग जा, तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं होगी तो काम पर लग जा। हम हमारे बच्चों के नसीब को कोसते हैं, सरकारें तुम्हारे बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए कानून बना रही है। आज इंजीनियर बनाना हो 25 लाख रुपया चाहिए, आज डॉक्टर बनाना हो 50 लाख रुपया चाहिए, या बैठे हुए लोगों में किसी के पास है 25-50 लाख रुपया? क्या आप अपने बच्चों को भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर बनाने लायक हो? अभी खत्म कर दिया सरकारी, अभी कानून बना था, अंग्रेजों ने दिया था, इन्होंने छीन लिया। अंग्रेजों ने अधिकार दिया था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया, आज वो जमीनें छीन रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर इनके बच्चे पढ़ कर जाएंगे तो नौकरियां मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, इनके बच्चे अगर पढ़ कर जाएंगे तो आरक्षण मांगेंगे, नौकरियां मांगेंगे, तो सारे सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया, ठेके पर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर। अब सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर, प्राइवेट कंपनियों में आपके बच्चों का आरक्षण नहीं है, नौकरियां नहीं है, मर्जी पड़े सेठ की तो ले देगा, नहीं पड़े तो नहीं देगा। विदेशी कंपनियां भारत में आ रही, भारत सरकार की परमिशन के बगैर नहीं आ रही, वो विदेशी कंपनियां जहां से आती है वहां के लोगों को 27% आरक्षण दे रही है, उन्हें यहां देने में कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कानून नहीं बनाया, लेकिन उनके बच्चों को खतरा पैदा होगा और मनोवादियों के बच्चों को खतरा पैदा होगा, विदेशी कंपनियों के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, अरबों खरब रुपया होता है और आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है। अगर जापान का खिलौना 50 साल भारत की कंपनी का खिलौना सोचता है तो ग्राहक 50 वाला पसंद करेगा, उन्हें लगा हम नहीं टिक पाएंगे, और उनको बचाने, उनके बच्चों को बचाने के लिए, उनकी नस्लों को बचाने के लिए कानून बनाया कि आपको भारत में आना है तो स्थानीय कंपनियों से समझौता करना पड़ेगा, जापान की होंडा कंपनी और यहां की हीरो साइकिल कंपनी दोनों का समझौता हुआ, हीरो होंडा बन गई, साइकिल कंपनी का मालिक होंडा कंपनी का मालिक बन गया, यहां की टाटा वहां की सुनो टाटा सुनो बन गई, यहां की मारुति वहां की सुजुकी मारुति सुजुकी बन गई। आपके बच्चों को बचाने के लिए कानून नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कानून बनाया। वो लोग आपका वोट देकर जाते हैं, वो आपका सत्यानाश कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, आपका वोट लेकर आपका सत्यानाश हो रहा है। नौकरियां खत्म कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई खत्म कर रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, लाल टाटा को, लाल बिरला को, लाल अडानी को, लाल अंबानी को 1 रुपया मीटर में जमीन, लाखों रुपया जमीन दे रहे हैं। आपको देने वाला है क्या? आपको 1 रुपया मीटर में जमीन को देने वाला है क्या? लाखों रुपया दे रहे कंपनी वालों को, लाखों रुपया कंपनी वालों को जमीन दे रहे हैं, आपको देने वाले नहीं है। और आदिवासी अगर अपनी जमीन नहीं देता तो बोलते नक्सलाइट लोग है, वो अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता तो बोलते नक्सलाइट है, क्योंकि उन्होंने सोचा जमीनें होगी तो
तो फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर वो अधिकारी बन जाएंगे। ये जो चल रहा है जमीन छीनने का काम, पढ़ाई लिखाई छीनने का काम और आपका सारा अधिकार समाप्त हो रहा है, आरक्षण समाप्त हो रहे हैं, अभी वोट का अधिकार भी समाप्त हो रहा है ये मशीनों से। वोट का अधिकार वोटिंग मशीन से समाप्त कर रहे हैं। जो अंग्रेजों ने दिया था इन्होंने छीन लिया। आपको अंग्रेजों ने दिया और वर्तमान मनुवादियों ने छीन लिया है। इनके बाप दादाओं ने हजारों साल से हमारी सबको लूटा, सबको लूटा, आज भी वो लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। ये जो तरीका चल रहा है देश में भयानक चल रहा है। 57 साल कांग्रेस ने राज किया, 57 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने मनवाजी का संगठन कर दिया, कानून कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया, कांग्रेस ने कुछ लड़की की गलती नहीं की, कांग्रेस ने मुसलमानों का ज्यादा सत्यानाश किया। जो 33% मुस्लिम नौकरियों में थे अभी 1% हो गए। आप मुस्लिम 1% दिखाई, आप मुसलमान सरकारी नौकरी में है नहीं। कांग्रेस ने यह काम किया, बीजेपी तो कर ही रही है और आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। कांग्रेस ने आरएसएस का जमीन तैयार कर दिया, बीजेपी का बाबरी मस्जिद कभी नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। शिलान्यास कब हुआ? कांग्रेस की सरकार थी। मोर्चे कब उठाई? कांग्रेस की सरकार थी। ताले कब बंद हुए? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने तैयार कर दिया। मुसलमानों का धोखा किया, पिछले वर्ग के साथ 7 साल तक धोखा किया। 16 नवंबर 1992 मंडल कमीशन तक धोखा हुआ और क्रिमिनल लागू कर दिया। और क्रिमिनल के नए में लाना चाहिए था तो आगे कर दिया, ये कर दिया, तो आगे कर दिया, हुआ भारती को आगे कर दिया, कल्याण सिंह को। जाति जनगणना का मुद्दा आया, आगे कर दिया, अन्ना हजारे को आगे कर दिया, बाबा रामदेव को। पिछड़े वर्ग के साथ धोखा हुआ, शेड्यूल कास्ट के साथ धोखा हुआ, आदिवासी के साथ धोखा हुआ। संविधान में लिखा है 5वीं 6वीं अनुसूचि में आदिवासी का नेता ही आर्टिकल 244 के तहत वहां सारा मालिक का नाक आदिवासी का होगा, जितना भी खनिज निकलेगा। आदिवासी के साथ धोखा हुआ, इतना सारा कांग्रेस ने किया। बैंकों को हमने 57 साल बनाया, गरीबी हटाओ के नाम पर 83 करोड़ गरीबी रेखा नीचे पहुंचे, 29 करोड़ भुखमरी के शिकार है और इसे परेशान होकर, इसे परेशान होकर लोगों ने कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया। और मुझे विश्वास है, मुझे फक्र है और गर्व है कि कांग्रेस की, कांग्रेस को खत्म करने का शुरुआत किसी ने किया हो तो बिहार के लोगों ने किया था। कांग्रेस को पहले खत्म किया बिहार के लोगों ने, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे बाबू योगेंद्र प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे लालू यादव जी हो, कांग्रेस शुरुआत में राजनीति करती थी पूरे, फिर काशीराम साहब ने खत्म किया। अब उन्होंने नया तरीका बनाया। अब पिछले वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने मोदी को आगे किया, नरेंद्र मोदी को, कि आपके आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हमारे लोग खुश हो गए। और वे भी उस्ताद, एक नंबर का उस्ताद, मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा 56 इंच का सीना है, ऐसा कहने वाला आदमी जब रोहित यमुना की हत्या हुई, 56 इंच के सीने वाले ने कुछ नहीं बोला। और कमी बनाई तो कौन सी बनाई? कि रोहित यमुना शेड्यूल का ओबीसी, किसने मारा उसने कमी नहीं बनाई। जब अपराध की हत्या हुई, 56 इंच के सीने वाले ने कुछ नहीं बोला। कमी बनाई तो कौन सी बनाई? अपराध के घर में जो मांस था वो बकरे का था, ये गाय का था। और जब गुजरात में नरेंद्र की कटाई हुई है शेड्यूल कास्ट की, तो 56 इंच के सीने वाला भी बुला रहा है, गरीब तो को मत मारो, मुझे मारना है तो मारो।
लाचारी की बोली बोल रहे हो, तुम लाचार हो तो 56 इंच का सीना का, और 56 इंच का सीने का दावा करते हो तो लाचार क्यों हो? मैं तो खुलेआम कहता हूं बीजेपी के लोगों को, जो कहते हैं नरेंद्र मोदी मिलहर है और अमित शाह मेरे मेन गुरु है और दुनिया के नंबर एक की पार्टी है, आजाद टीवी चैनल पर और एक बार कहकर दिखाओ कि हमें वोटिंग मशीन से नहीं मेरे तरफ से चुनाव मंजूर है, बिहार के द्वारा 56 इंच का सीना एक बार बुला कर दिखाओ, एक बार केवल कहने के पहले तरफ से चुनाव हो जाए। 2 करोड़ रुपये के नाम पर वोट लिया, 15 लाख के नाम पर वोट लिया, महंगाई कम करने के लिए नाम पर वोट लिया, सारा का सारा धोखेबाजी का कार्यक्रम चला, एक भी काम नहीं हो रहा। अब इन सभी बातों पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने क्या किया? सभी बातों पर पर्दा डालने के लिए लोगों को डायवर्ट कर दिया, ऐसे ऑफिस को लव जिहाद के नाम पर बिठा दिया, गर्भवासी के नाम पर बिठा दिया, गौत्या के नाम पर हमको एंगेज कर दिया, वंदे मातरम के नाम पर एंगेज कर दिया। 4 साल में एक भी काम हुआ नहीं और न इसी पैदा हुई। अरे जो अंग्रेजों के समय में नहीं थी समस्या, वो समस्या तथाकथित आजाद भारत में पैदा हो गई। अंग्रेज के समय में नक्सलाइट नहीं हुआ करते थे, अंग्रेजों के समय में आतंकवाद नहीं था, अंग्रेजों के समय में दुखने से लोग नहीं मरते थे, अंग्रेजों के समय में ये अंग्रेज नहीं होते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वोट लिया, 4 साल में 1,10,223 महिला को बलात्कार हुआ है, 1,52,000 बलात्कार के केस अदालतों में पहले है, केवल 30,000 केस चल रहे हैं और 1,22,000 महिला के पास न्याय के लिए पैसा नहीं, लिए कॉल के चक्कर में काटने के लिए पैसा नहीं है। पिछले साल 38,000 बलात्कार हुए हैं, 19,000 नाबालिगों के बलात्कार है, 19,000 नाबालिगों के बलात्कार है। यह आंकड़ा नेशनल क्राइम ब्यूरो का है, मेरा नहीं, सरकारी आंकड़ा है। और प्लान बनाया उन्होंने निर्भया योजना के तहत, 5,000 करोड़ महिला की सिक्योरिटी के लिए रखा, 5,000 करोड़ रखा, खर्च केवल 40% किया, 2,000 खर्च किया महिला के सिक्योरिटी के लिए, 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 4 साल में 20,000 करोड़, महिला की सिक्योरिटी के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े बड़े नारे देकर हम लोग खुश हो जाते हैं, और ये सारी बातें लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए। 4 साल में 5,000 करोड़ रुपया मीडिया को दिया है, जायदाद के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर दिया, और मीडिया इन मुद्दों पर बोल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं बोल रही है। जब मीडिया नहीं बोल रही है तो हमने सोचा ये काम हमें करना होगा। कांग्रेस के समय किसान आत्महत्या करते थे, बीजेपी के समय भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 5,18,228 किसानों ने आत्महत्या किया है। जो कांग्रेस की पॉलिसी है वही बीजेपी की पॉलिसी है, याद रखना। कांग्रेस ने विदेशी कंपनी को बुलाया, आप नरेंद्र मोदी को बुला रहे, कांग्रेस ने एपीआई शुरू किया, मोदी ने उसको अमल कर दिया, बढ़ा दिया, कम नहीं किया। उम्मीदवार कांग्रेस ने शुरू किया, मोदी ने अमल कर दिया, ऐसी ये कांग्रेस इसमें शुरू हुआ, मोदी ने टोकन पर जमीन देने का काम शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं करने दी, बीजेपी भी नहीं करने दे रही है। कांग्रेस ने आरक्षण पर अमल नहीं किया, बीजेपी भी आरक्षण पर अमल नहीं कर रही है, वो खत्म कर रही है, कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस सहयोगी दल यूपीए और बीजेपी सहयोगी दल एनडीए, दोनों की नीतियां सेम है, भारत में लोकतंत्र कहां है? कोई आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उस कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए लालू यादव समर्थन, और कांग्रेस को समर्थन करें
रहे हैं धर्म माया और कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं चल पवार और कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार रामविलास पासवान रामदास अटले अरे दुश्मनों की पार्टियां हमारा सत्यानाश कर रही है और आप उसको जिंदा करने का और समर्थन करने का काम कर रहे हो तो क्या उन साजिशों में आपका भी समर्थन है क्या आप उनको खतरा नहीं है उन दोनों पार्टियों को क्योंकि 82 में जब कांतिराम साहब ने नारा दिया था कि वो हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो उन्होंने क्या किया वोट तो इनका ज्यादा है वोट इनका ज्यादा है तो राज हमारा कैसे चलेगा तो उन्होंने 84 में 1984 एक बिल पारित किया ईवीएम के ऊपर बिल का नंबर 422/84 कांग्रेस के समय में लाया ईवीएम का कांग्रेस ने ईवीएम लाया और बीजेपी ने अटल बिहारी ने उसका अनुमोदन किया और प्रकाश करात उसको समर्थन किया कांग्रेस ने ईवीएम का बिल लाया विरोध कर अटल बिहारी का समर्थन किया और कांग्रेस ने अनुमोदन अटल बिहारी ने किया समर्थन में कांग्रेस किया हमें आकर विरोध करते हो कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट का ये कौन समझ रखा है क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हारे समर्थन में ईवीएम आया है आज ईवीएम आके वोट को खत्म कर रहा है उनका डर निकल गया है इस ईवीएम को दुनिया के देशों ने बंद कर दिया अमेरिका ने पाबंदी लगा दी जर्मनी ने लगा दी फ्रांस ने लगा दी जापान ने मशीनों पर पाबंदी लगाई नॉर्वे ने लगाई नेदरलैंड ने पाबंदी लगाई इंडोनेशिया ने लगाई तुर्की ने लगाई कैलिफोर्निया ने लगाई इटली ने लगाई अरे बहुत लंबा लिस्ट है मेरे पास पूरी दुनिया का उन देशों ने मान लिया कि मशीनों से चुनाव नहीं हो सकता निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता भारत के लोग क्या करें मालूम गुमराह करें कि भैया दुनिया चांद पर जा रही है और आप वापस जा रहे हो पुरानी सदी में पहले पेपर की मांग कर रहे हो तो मैं उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए कह रहा हूं अरे तुम कह रहे हो कि दुनिया चांद पर जा रही है और आप पहले की मांग कर रहे हो अरे तो भारतीय लोग चांद पर पहुंचे उससे पहले कहीं गुना पहले कितने साल पहले चांद पर अमेरिका के लोग पहुंच गए थे नील आर्मस्ट्रांग नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचा आप तो पहुंचने की तैयारी कर वो पहुंच गया था उस देश में भी आज जिले पेपर है उस देश में भी आज जिले पेपर है उस लोग कहते हैं अब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया वोटिंग मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता कुछ लोग बोलते होंगे ऐसे कैसे कह सकते हो आप मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं शुरू पर मोबाइल आपके पास भी होगा एक बार मोबाइल हो या कोई मोबाइल हो आपके पास भी होगा अगर आपने नंबर किसी का नंबर डायल कर लिया हो तो वो आदमी आपको फोन करेगा तो नंबर आपको लगेगा या जिसके नंबर पर डायल किया जाएगा समझ में आया ना आपको आप अपने मोबाइल का नंबर डायल कर लो अगला आदमी आपको कितनी बार भी फोन करेगा नंबर कहा जाएगा उसके पास उसका नंबर हो या ना हो जो नंबर आपने डायल किया वहां पर जाएगा वो नंबर नंबर लगा रहा है उसके पास नंबर भी नहीं है जिसका डायल किया उसका वो आपको लगा रहा है जा रहा है दूसरे को मोबाइल डिवाइस है इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है इंस्ट्रूमेंट है जब कोई डायल हो सकता है तो वो डायल नहीं हो सकता क्या
पहले पहले चक्कर था आपको वोट देते थे, आप निशान देकर टप्पा मारते थे, उसको फोल्ड करके मतपेटी में जाते थे। आजकल बटन दबाकर आपका वोट काम या मालूम पड़ता है क्या? आपके वोटों की चोरी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के मेरे यहां अक्टूबर 2013 को निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा वोटिंग मशीनों से, फिर भी कुछ लोग बोलते होंगे नहीं नहीं हो नहीं सकता। तो मैं उन्हें बोलता हूं, नोटबंदी के वक्त भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक दिन में 2,17,000 एटीएम मशीनों को फेस कर दिया। क्या आपके अकाउंट में 5 लाख हो या 10 लाख हो या कितना भी हो, सरकार ने कानून बनाया 2500 से ज्यादा 2,500 से ज्यादा नहीं निकलेगा। याद है कौन अभी अभी की बात नोटबंदी, 2,17,000 एटीएम मशीनों को फिक्स कर दिया एक दिन में। अरे जो लोग 2,17,000 एटीएम मशीनों को फिक्स कर सकते हैं एक दिन के अंदर, कितना नोट क्यों लेगा वो फिक्स कर सकते हैं, तो कितना वोट क्यों लेगा फिक्स नहीं कर सकते क्या? जो लोग सेटेलाइट चला सकते हैं, यहां बैठे बैठे रिमोट से ग्रह चला सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों पर बोला कि इस पर चुनाव नहीं हो सकता, उसके बाद 2014 का चुनाव हो गया, अलग अलग विधानसभाएं हो गई, विधानसभा में चुनाव हो गए, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है और जो आवाज उठाते हैं सरकारें उन्हें गला घोटने का काम कर रही है। केजरीवाल ने आवाज उठाया, चुनाव आयोग ने 20 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया केजरीवाल की बोलती पर। मायावती जी ने आवाज उठाया, 8 दिन में उसके भाई अनंत के ऊपर रेड पड़ गए। लालू यादव जी ने आवाज उठाया था अंदर है, जो आवाज उठाते हैं उनको हिटाने के लिए चला रहे हो, प्रशासनिक पार्टियां इस मुद्दे पर कंट्रोल नहीं ली है। तो हमने सोचा अगर हमारे मूल निवासियों को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है और हमारे लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है और भारत में कोई पार्टी आवाज नहीं उठा रही है डरती है खतरे से, तो ये खतरा उठाने को हम तैयार, हमारा नहीं उठाए तो नहीं उठाएंगे आवाज। और अगर ये आवाज तेजस्वी यादव उठा रहा है अपनी पार्टियों को सड़कों पर कार्यक्रम देता है, हम समर्थन करेंगे। अगर भरत माधव की आवाज उठा रही है अगर सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम देंगे तो हम समर्थन करेंगे वोटिंग मशीनों के विरोध में। अगर शरद पवार उठाएगा तो हम समर्थन करेंगे, अगर अखिलेश यादव उठाएगा तो समर्थन करेंगे और अगर ओवैसी ने उठाया वोटिंग मशीनों के विरोध में समर्थन करेंगे। क्यों? आने वाली पीढ़ियां बचाना है हमें। ये क्यों हम समर्थन करेंगे? अगर आरएसएस का भागवत और प्रणब मुखर्जी अगर दो बर्बादी एक मंच पर आ सकते हमारे विरोध में, हम भारत के मूलवासी नेता एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? अगर हमारे दुश्मन एक मंच पर आ सकते हैं तो हम एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? उन पार्टी के कार्यकर्ता को कहना चाहिए अपने नेताओं को, क्या भी आपने आवाज नहीं उठाया 2019 के चुनाव से पहले, तो 2019 के चुनाव के बाद बोलने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। कल कहना मत कि हमें किसी ने बताया नहीं था, आज वो दर्शाओगे ईवीएम से सारा जीत गए बीजेपी। अरे तो अभी आवाज उठाना पसंद लगा, हम लोग पूरे देश में ये आवाज उठा रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को तैयार कर रहे हैं पूरे देश में, 1 करोड़ हैंडमेड छपाएंगे, 1 करोड़ स्टीकर बनाएंगे, वोटिंग मशीन हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, मोटरसाइकिल पर चिपकाएंगे, गाड़ियों पर चिपकाएंगे, घर पर चिपकाएंगे, रिश्तेदारों की गाड़ियों में, रिश्तेदारों के घर पर, हर घर हर गांव तक चिपकाएंगे 1 करोड़ लोगों का।
अगर एक करोड़ हम बोलिए मिशन को पूरा करेंगे 6 महीने में, तो एक आदमी का परिवार 5 का है, 5 करोड़ तक मैसेज लोग देना चाहते हैं, और उसके बाद 5 करोड़ हो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे रहे हैं क्या आप हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षण करो, संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करो, संविधान ने आपको यह अधिकार दिया हुआ है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षण करना। जिस तरह नागरिकों का मौलिक अधिकार है कौन सा, वाणी स्वतंत्रता का, विचारों की अभिव्यक्ति का, यह आपका मौलिक अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। जो विचारों की अभिव्यक्ति का है तो चुनाव में आप वोट देते हो, आपके विचार है कि मेरा नेता कौन होगा, मैं किसको चुनाव भिजवाना चाहता हूं पार्लियामेंट में, यह आपके विचारों की अभिव्यक्ति है जिसको ईवीएम खत्म कर रही है, आपके विचारों की अभिव्यक्ति पर ईवीएम पाबंदी लगा रही है। ये वोटिंग मशीन है, ये सेटिंग मशीन है, ये वोटिंग मशीन नहीं, ये सेटिंग मशीन है। और 1 करोड़ लोग तैयार कर रहे हैं, और 1 करोड़ लोग, जब 1 करोड़ लोगों को पता चलेगा इनके साथ विश्वासघात होना है तो वही लाइन लगाकर आप ईवीएम को खोल देंगे, 1 करोड़ लोगों को जेल में आप रख नहीं सकते हो, और दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, आपके बच्चों को बचाने की लड़ाई है। यहां जो मेन मीडिया बैठी है वो याद रखे, ये लड़ाई हमारे घर की नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य बनाने की लड़ाई है, उनको पढ़ाई लिखाई का विकास समाप्त हो रहा है उसकी लड़ाई है, नौकरियां समाप्त हो रही है उसकी लड़ाई है, आज भी धमीजे की लड़ाई है, और को बचाने की भी लड़ाई है। आप किसी पार्टी के बोलोगे, पार्टी वाले बोलेंगे, आप पार्टी वालों को बोलोगे भैया हम आपको वोट देते हैं, लेकिन इसकी शर्त है आप हमारे बेटे को नौकरी दो, कोई पार्टी वाला देने वाला है क्या? आप कहोगे कि हम आपको वोट देते हैं, हमें जमीन दो, देने वाला कोई जमीन वोट के बदले, आप कहोगे हम आपको वोट देते हैं हमारे गांव में कंपनी लगा, लगाने वाला कोई, वोट से आपको नौकरी नहीं मिलती, वोट से आपको जमीन नहीं मिलती, वोट से आपको आपके गांव में रोजगार नहीं मिलता है। और अगर इस वोट का सही इस्तेमाल कर लिया तो आप मालिक बन जाओगे, और मालिक बन जाओगे तो सब तुम्हारा है, अगर मालिक बनेंगे तो सब तुम्हारा है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, हमारे लोग भेज देते अपने वोट को, अच्छी से अच्छी अगर भेज की कीमत अगर आप मानो कितना होगा, 1 लाख रुपया होगा, बढ़िया से बढ़िया भेज, भेज शरीर में जाओ 1 लाख रुपया होगा, अगर बढ़िया से बढ़िया गाय खरीदने जाओ 50,000 होगा, अगर बढ़िया से बढ़िया बकरी खरीदने जाओ 10-15 हजार तो हो गए हो, और अगर आजकल मार्केट में कुत्ते बिकते हैं, कुत्ते की कीमत भी 3-4 हजार 5 हजार होती है, भैंस की कीमत 1 लाख, गाय की कीमत 50,000, बकरी की कीमत 25-15 हजार, कुत्ते की कीमत 3-4 हजार रुपया, और इंसान की कीमत कितनी है हमारी, 500 में वो बेकरार है। इंसान हमारे लोग 500 में वोट देकर आ जाता है, जानवर से भी तुम नहीं गुजरे हो, ये आदत बना दिया, तुम्हारे से तो जानवर की कीमत ज्यादा है, एक दिन शराब पिलाएंगे 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे, 5 साल आपके घरों में नीतियां बनाएंगे, वोट बेचना मत, वोट बेचने का मतलब बहन बेटियों को सौदा करना है, बहन बेटियों के बदले में पैसा लेते हो, आप कहोगे हमें 1 करोड़ का 500 रुपया मिल रहा है, अरे तो 5 साल में एक ही बार मिलेगा ना, 5 साल में 500 तो 12 महीने का हो गया 100 रुपया, महीने का हो गया 8 रुपया, रोज का हो गया 25 पैसा, भिखारी 25 पैसा लेता है क्या आजकल, हमारे लोग 25 पैसे में वोट देकर आ जाते, भिखारी भी 25 पैसा ले लेता,
आप कहोगे हमारे घर में पांच लोग हैं, हजार हजार रुपया मिल रहा है, 5,000 रुपया मिल रहा है। अरे एक वर्ष का 1,000 मिल रहा है, 5 वर्ष का 5,000। तो आपके घर में आपकी बहन भी है, आपके घर में आपकी बेटी भी है, आपके घर में आपकी बहू भी है, आपके घर में आपकी माँ भी है। यहाँ महिला बेटी पूछना चाहता हूँ कि पैसा ज्यादा कीमती होता है या इज्जत कीमती होती है? कीमत किसकी होती है, पैसे की या इज्जत की? अगर आप क्या बहन बेटियों का खुदा पैसे में करोगे, अगर आप पैसे में ओवर बेचोगे और उनको ताकतवर बनाओगे, वो आपके साथ अन्याय करते हैं, वो आपके विरोध में कानून बनाते हैं, वो आपकी एक्ट्रोसिटी को खत्म करते हैं, वो आपकी बहन बेटियों पर बलात्कार करते हैं। ओवर बेचने का मतलब है बहन बेटी पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना, बहन बेटी पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना। तो वो गलती से बेचना मत, आएंगे लोग क्योंकि टाटा बिरला अंबानी का पैसा है, वो एक वर्ष का 5,000 भी देंगे, गलती मत करना। अभी वो खरीदेंगे आके, वो लोगों के पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है, उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास वोट ज्यादा है। उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास वोट ज्यादा है, हमें वोट की कीमत मालूम नहीं, ये हमारी समस्या है। साथियों, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में वो लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं आपस में लड़ाकर, और इस यूनियन के वजह से 19 राज्यों में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं बना, याद रखना। गुजरात में एक भी एमपी नहीं बना, हरियाणा में नहीं बना, राजस्थान में नहीं बना, पंजाब में नहीं बना, चंडीगढ़ में नहीं बना, हिमाचल में नहीं बना, 19 राज्यों में, मध्य प्रदेश में नहीं बना, महाराष्ट्र में नहीं बना, बिहार 19 राज्यों में एक भी एमपी नहीं बना है उससे। अरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं बना, जहां मुस्लिम आबादी है, औरंगाबाद में या भी आपका अररिया है जहां आबादी है मुसलमानों की ज्यादा, वहां भी बीजेपी कई बार वोट लेकर जाती है। क्यों? मुरादाबाद का 45% वोट है मुसलमानों का, अगर चुनाव जीता बीजेपी आ गई। अब आपको भ्रम होगा कि नहीं, हमने उस चुनाव में तो जीत लिया, उस चुनाव में कौन सी उनकी सरकार करने वाली है, वो आपका मुंह बंद करने के लिए चुनाव का चुनाव जीता लिया, आप खुश होंगे, सरकार देने वाली है नहीं, ताकि आप लोकसभा में विरोध ना करो, ईवीएम का विरोध करोगे तो बोलेगा आप चुनाव जीते, तब क्यों नहीं बोल देते ईवीएम के विरोध में? वो झांसा देने का कार्यक्रम है, चकमा देने का कार्यक्रम है। ये जो चल रहा है, 19 राज्य में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं बना, ईवीएम की वजह से भाजपा लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ईवीएम की वजह से देश खतरे में है, ईवीएम की वजह से संविधान खतरे में है, और ईवीएम की वजह से आने वाली पीढ़ियां खतरे में है। इन्हें बचाना चाहते हो तो आप अपने रिश्तेदारों तक, अपने घर घर नाम नाम कर संदेश को फैलाओ और बचाओ। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना है, एक बात और भी सुन लो ध्यान से। इस लड़ाई में आपको टाटा बिरला अडानी अंबानी मेहनत पैसा देने वाला नहीं है, जो लड़ाई उनके विरोध में है, और उनका 1 लाख हमें नहीं चाहिए, 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमारे समाज का 1 रुपया ये हमें काफी है, 100 करोड़ लोग हैं हम लोग, हमारे समाज का 1 रुपया काफी है। अगर लड़ाई जिनके विरोध में है उनके आगे आप चलाओगे तो आप उनके मोहताज हो जाओगे। हम उनसे कभी नहीं लेते, इस पार्टी को चलाने के लिए पसीना भी हमारा होगा, पैसा भी हमारा होगा, और इस काम के लिए आपके आने वाली नस्लों को बचाने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग करोगे। इस आशा अपेक्षा के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने ध्यान से सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।